इलास्टिक कोलिजन इन 1D। तो इलास्टिक कोलिजन इन 1D में दो बॉल्स आ रही हैं M1 विद U1, M2 विद U2, कोलिजन हुई, आफ्टर कोलिजन M1 विद V1, M2 विद V2। तो रूल नंबर 1, इलास्टिक कोलिजन को मैथमेटिकली अगर सॉल्व करना है तो पहली इक्वेशन M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 M2 V2, राइट। तो यहां से M1 वाली टर्म्स एक तरफ, तो U1 माइनस V1, और M2 वाली टर्म्स एक तरफ, V2 माइनस U2। इक्वेशन में 1 क्लियर है। नेक्स्ट है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, तो इनिशियल एनर्जी दोनों बॉल्स की पता है, फाइनल एनर्जी दोनों बॉल्स की पता है, तो यहां से M1 वाली टर्म्स एक तरफ, M2 वाली टर्म्स एक तरफ। इक्वेशन नंबर 2, ये भी क्लियर है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन से ये इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन से ये इक्वेशन, एक काम करो दोनों को डिवाइड कर दो, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, ये बाय दिस, डिवाइड कर दिया, तो हाफ से हाफ कैंसिल, M1 से M1, M2 से M2, सबको पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या आएगा न्यूमिनेटर, U1 माइनस V1 इंटू U1 प्लस V1, जो डिनोमिनेटर U1 माइनस V1 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा U1 प्लस V1, ऐसे यहां पर क्या बचेगा V2 प्लस U2। ये स्टेप क्लियर है। तो इस स्टेप को यहां लिखा मैंने, इक्वेशन नंबर 3 इसका नाम दे दिया, और एक स्टेप और किया, V1 को इधर ले गया, U2 को इधर ले आया, तो ये टर्म क्या बन गई V2 माइनस V1, और ये टर्म क्या बन गई U1 माइनस U2। ये स्टेप क्लियर है, रीअरेंजमेंट किया बस, कुछ नहीं किया, क्लियर है यहां तक। अब ये क्यों किया इसको ध्यान से समझो, जब बॉल्स की कोलिजन हो रही थी तो M1 वॉज मूविंग विद U1 एंड M2 मूविंग विद U2, और आफ्टर कोलिजन M1 की वेलोसिटी V1 और M2 की वेलोसिटी V2 थी। एक बात बताओ, अगर मैं ये चाहता हूं, या अगर मुझे मालूम है कि M1 ने M2 को कोलाइड किया, तो U1 की वेलोसिटी बड़ी होगी और U2 की वेलोसिटी छोटी होगी। टक्कर तो तभी होगी जब ये इसको टच कर पाएगा, और टच तब करेगा जब U1 बड़ा होगा, U2 छोटा होगा। सही है यहां तक? तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, बड़ी वेलोसिटी में से छोटी वेलोसिटी को क्या कर दिया, माइनस। तो ये क्या आ गई इसकी रिलेटिव वेलोसिटी। क्लियर है यहां तक? और ये दो बॉल्स टक्कर मारने के लिए एक दूसरे को क्या कर रही है, अप्रोच, अप्रोच। तो इसलिए इस वेलोसिटी का नाम है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है यहां तक? कि दो बॉल्स एक दूसरे को क्या कर रही है, टक्कर मारने के लिए अप्रोच। मान लो टक्कर हो गई, जब कोलिजन हो जाती है तो ये बॉल इसको कुछ एनर्जी ट्रांसफर कर देती है, तो आफ्टर कोलिजन V2 की वैल्यू बढ़ जाती है और V1 की वैल्यू कम हो जाती है, उल्टा हो जाता है। क्योंकि फिर ऐसा थोड़ा ना कि एक बार टक्कर मारी बॉल ने, फिर कहीं दोबारा तुरंत छोड़ूंगी नहीं, दोबारा टक्कर मारूंगी फिर नहीं छोड़ूंगी, ये थोड़ा होता है। एक बार टक्कर मार के दूसरी बार टक्कर मारेगी, दूसरी बार तो तब टक्कर मारेगी जब उसकी वेलोसिटी बड़ी रहेगी, उसकी वेलोसिटी छोटी होगी और इसकी वेलोसिटी बड़ी हो जाएगी। तो रिलेटिव वेलोसिटी बोलो कितनी है, V2 माइनस V1। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? सही है। अब जब टक्कर हो चुकी, कोलिजन हो चुकी, तो इन बॉल की रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी, V2 माइनस V1, और इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। क्योंकि दो बॉल्स अब टक्कर के बाद, कोलिजन के बाद क्या हो रही है, सेपरेट। तो पहले क्या हो रही थी, अप्रोच, अब क्या हो रही है, सेपरेट। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का फॉर्मूला क्या है, U1 माइनस U2, और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का फॉर्मूला क्या है, V2 माइनस V1। और अगर हम ध्यान से देखें, हम भी तो ये कर चुके, जब हमने ये इक्वेशन इलास्टिक कोलिजन को सॉल्व कर रहे थे, तो हमारे पास ये क्या आ गया, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, और ये क्या आ गया, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की वैल्यू एग्जैक्टली क्या रहती है, सेम। नेक्स्ट स्टेप ध्यान से देखें, इस वेलोसिटी को, सेपरेशन अप्रोच की वेलोसिटी को इसके नीचे ले आए तो क्या आ जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से डिवाइड कर दें तो रेशियो क्या आ जाएगी, 1:1। तो कुछ नहीं करना, इसको इसके नीचे ले आए, रेशियो क्या आ जाएगी, 1। तो रूल है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, कौन सी कोलिजन चल रही है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इसकी रेशियो हमेशा क्या आएगी, 1। याद क्लियर है यहां तक? ये मैथमेटिकली मैं प्रूव कर चुका हूं, यहां से ये आया, डिवाइड करके ये आ गया। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड अप्रोच की
जो रेशियो है वो वन है. और एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हो रही है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, की रेशियो को बोला जाता है कोफिशेंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. तो ये फॉर्मूला बन गया रेस्टिट्यूशन का, क्या बन गया, और इसका सिंबल होता है ई. तो रेस्टिट्यूशन की वैल्यू परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की क्या आई, वन. और कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई का फॉर्मूला क्या था, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. तो लिखने इसके आगे लिख सकते हो इज इक्वल टू वी टू माइनस वी वन डिवाइडेड बाई यू वन माइनस यू टू. क्या इस स्टेप क्लियर है यहां तक? तो रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला समझ में आया, फॉर्मूला क्या है रेस्टिट्यूशन, कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का. हाँ, इसका मतलब क्या है ये मैं समझाता हूँ, ये क्यों इंट्रोड्यूस किया. ठीक, तो क्या स्टेप क्लियर है यहाँ तक? तो आज के बाद कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. ठीक है यहाँ तक? अब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए हम प्रूव कर चुके हैं कि रेस्टिट्यूशन की वैल्यू क्या है, वन. ये तो हमने मैथमेटिकली प्रूव कर लिया, कोई डाउट इसमें? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वन प्रूव हो चुका है. अच्छा, इसका आंसर दो कि अगर आपके पास परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है, देखो कैसे परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में काम करते हैं. ये मान लो आपकी फर्स्ट बॉडी है, ये फर्स्ट बॉडी है m1, मूविंग विद u1, सामने एक वॉल है, दीवार है, ये तो मूव नहीं करेगी. तो u2 क्या है, जीरो, तो मूव ही नहीं करेगी, यू टू जीरो. और आफ्टर कोलिजन बे, आफ्टर कोलिजन भी वेलोसिटी इसकी क्या रहेगी, जीरो. दीवार में मूव ही नहीं करना, ना पहले ना बाद में, तो यू टू भी जीरो, वी टू भी जीरो. राइट, क्लियर है यहां तक? और अगर ये परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है, तो ये बॉल यहां आके चिपकी जाएगी, सेपरेशन ही नहीं होगी ना, दीवार पे चिपक जाएगी, सिंपल. तभी तो क्या बोलेंगे, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन. तो इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं, इसके अंदर जो वी वन की वैल्यू है वो भी क्या हो गई, जीरो. चिपकी गई तो दीवार के साथ मूव ही नहीं करेगी, तो वी वन जीरो. सही, रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला क्या है, वी टू माइनस वी वन बाय यू वन माइनस यू टू. चिपक गए तो वी वन भी जीरो, वी टू भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो ई क्या आएगा, जीरो. सिंपल, समझ में आ रहा है यहां तक? तो कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का हमेशा क्या रहेगा, जीरो. अच्छा, एग्जाम्पल नहीं करना, ऐसी बताओ E का फॉर्मूला क्या है, v2 टू माइनस वी वन डिवाइडेड बाई यू वन माइनस यू टू. मानते हो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में सेपरेशन नहीं होती, फाइनल वेलोसिटी दोनों बॉडीज की चाहे वो मूव करें या ना करें सेम हो जाती है, सेपरेशन ही तो कॉमन बॉडी हो जाती है. तो कॉमन बॉडी की ये दोनों वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी, सेम. तो E वैसे ही क्या जाएगा, जीरो. तो क्लियर है यहां तक? तो रूल नंबर वन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का रेस्टिट्यूशन क्या है, वन. परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का रेस्टिट्यूशन क्या है, जीरो. तो हमें रेस्टिट्यूशन बताता क्या है, कौन सी टाइप ऑफ कोलिजन है. अगर ई वन है तो सोचने की जरूरत नहीं है, परफेक्टली इलास्टिक. अगर ई जीरो है तो सोचने की जरूरत नहीं है, परफेक्टली इन इलास्टिक. और वैसे जो कोलिजन है जिसमें 10 मीटर पे बॉल गई और 2 मीटर पे वापस आ गई, इन इलास्टिक, उसकी वैल्यू जीरो और वन के बीच में लाई करती है. मेरा कहने का मतलब, अगर E1 है तो काइनेटिक एनर्जी का बिल्कुल लॉस नहीं है, E0 है 100% लॉस ही लॉस है, बॉल वापस आएगी नहीं. और इन इलास्टिक में ना 100% है ना 0% है, तो E की वैल्यू 0 और 1 के कहीं बीच में रहती है, फ्रैक्शन होती है. तो इन इलास्टिक कोलिजन में E की वैल्यू फ्रैक्शन होगी 0 और 1 के बीच में, और क्वेश्चन में आपको गिवन होती है, हाफ, 1/3 सब गिवन होगा. तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि रेस्टिट्यूशन आपको क्या बता रहा है, टाइप ऑफ कोलिजन बताता है. ठीक है यहां तक? इसके अंदर रेस्टिट्यूशन को यूज कैसे करते हैं, न्यूमेरिकल्स में या कॉन्सेप्ट क्या रेस्टिट्यूशन का? तो सबसे पहले, जैसे एक दीवार है और एक बॉल है, बॉल मान लो u वेलोसिटी से दीवार को हिट करने आ रही है, तो बॉल की इनिशियल वेलोसिटी u1 है, सेकेंड बॉडी कौन है, दीवार है, दीवार का u2 क्या रहेगा, जीरो.
तो यू वन इज इक्वल टू यू और यू टू इज इक्वल टू जीरो। आफ्टर कोलिशन दीवार ने तो मूव करना नहीं, तो वी टू की वैल्यू क्या रहेगी? जीरो। आफ्टर कोलिजन आपको ये बताना है, आपको ये बताना है कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वी वन क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है कि बॉल आ रही है विद यू, तो वो यू वन हो जाएगा, वी वन आपको निकालना है क्योंकि बॉल रीबाउंड तो करेगी करेगी, और मैंने एग्जांपल कौन सा लिया है परफेक्टली, इलास्टिक कोलिजन, और दीवार के लिए यू टू और वी टू दोनों जीरो, राइट। तो आप अगर ये जानते हैं कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का ई क्या होता है, वन, और ई होता है क्या है, वी टू माइनस वी वन बाई यू वन माइनस यू टू, तो वॉल के लिए यू टू वी टू दोनों जीरो, दोनों जीरो हैं। तो बॉल के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू वन क्या है, यू, तो इसकी जगह क्या पुट करेंगे, यू, और क्या निकालना है, वी वन, तो वी वन क्या आएगा, माइनस यू, तो माइनस यू का मतलब है, माइनस साइन का मतलब बॉल अपनी डायरेक्शन को क्या कर लेगी, चेंज, तो मूव करेगी विद यू। वैसे ये करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी का लॉस तो था ही नहीं, तो जिस वेलोसिटी से बॉल आती है उसी वेलोसिटी से बॉल वापस चली जाती है। तो ये आपको याद नहीं करना, ये सिर्फ मैं लगा के दिखा रहा हूँ कि देखा रेस्टिट्यूशन ई इज इक्वल टू वन भी सेम आंसर देगा, आपको ई लगाना सिखा रहा हूँ, अदरवाइज आपको रिक्वायरमेंट नहीं। अगर आप ऐसे ही याद कर सकते हैं कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में यू वेलोसिटी से बॉल जाती है और यू से वापस आ जाती है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सफिशियंट है। याद हो गया यहाँ तक, ठीक है यहाँ तक, क्योंकि इतनी कैलकुलेशन हम करेंगे इन न्यूमेरिकल्स में, सीधा लगाएंगे रिजल्ट। नेक्स्ट है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हम डिस्कस कर चुके हैं, देयर इज नो सेपरेशन, वी टू और वी वन, जैसे ये बॉल इस दीवार को हिट करेगी चिपक जाएगी, जब चिपक ही जाएगी तो वी टू जीरो और वी वन भी क्या हो जाएगा, जीरो, तो आंसर क्या आएगा, जीरो, तो रेस्टिट्यूशन की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। ये पॉइंट भी क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट है इन इलास्टिक कोलिजन। अब इन इलास्टिक कोलिजन इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा वो ना ई जीरो वन, जीरो वन पे आएगा ना जीरो पे आएगा, ई फ्रैक्शन के साथ आएगा। इन इलास्टिक कोलिजन में मान लो एक बॉल आ रही है विद द वेलोसिटी ऑफ यू, तो बॉल की वेलोसिटी यू वन इज इक्वल टू यू। आपको बताना है कि बॉल जब ग्राउंड को टक्कर मारेगी और जब वापस जाएगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। अब ये तो बात पक्की है U से आई U तो नहीं होगी, क्योंकि U तो तब होगी जब एनर्जी का लॉस नहीं होगा, पर ये इन इलास्टिक कोलिजन है इसमें एनर्जी का लॉस होगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो इसमें एनर्जी का लॉस होगा, तो ये U से आई तो ये V से जाएगी, V1 से जाएगा, वो V1 निकालना है इसमें। ये ग्राउंड है, ग्राउंड में U2 क्या है, जीरो, V2 क्या है, जीरो, और ग्राउंड और बॉल का रेस्टिट्यूशन E गिवन है, गिवन होगा 1 बाई टू 1 बाई थ्री क्वेश्चन में गिवन होता, तो E ले लो। तो एक काम करेंगे, आपको U1 पता है, U2 पता है, V2 पता है, और V1 निकालना है ना, और E भी पता है, तो रेस्टिट्यूशन की डेफिनेशन लिख लो। रेस्टिट्यूशन की डेफिनेशन में U2 V2 उठा के सीधा 0 0, और U1 की जगह क्या, U, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, V1, तो V1 क्या आ गया, माइनस E टाइम्स U। माइनस साइन ये शो कर रहा है कि बॉल डायरेक्शन को क्या करेगी, चेंज करेगी, रीबाउंड करेगी, पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, E इंटू यू। तो आज के बाद जब ये क्वेश्चन आएगा आप ये कैलकुलेशन नहीं करेंगे, तो दिखाने के लिए, समझाने के लिए शॉर्टकट लगाएंगे। क्या शॉर्टकट लगाएंगे, कि अगर मान लो आपके पास एक बॉल है वो U वेलोसिटी से आई और इसकी रेस्टिट्यूशन की वैल्यू गिवन है 1 बाय 3, तो बॉल आफ्टर कोलिजन कितनी वेलोसिटी से चली जाएगी, 1 बाय 3 टाइम्स U, बस माइनस साइन लगाने लगा लो, रीबाउंड कर गई। एक ही स्टेप में आंसर, वेलोसिटी कितने टाइम्स हो जाती है, ई टाइम्स हो जाती है जब इन इलास्टिक कोलिशन है। समझ में आ रहा है ये रिजल्ट? मैथमेटिकली तो हमने ऐसे प्रूव किया, पर ये न्यूमेरिकल में करना थोड़ी ना है, न्यूमेरिकल में सीधा रिजल्ट लगेगा कि बॉल अगर, जैसे बॉल अगर आ रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड और रेस्टिट्यूशन 1 बाय 2 है, तो ये छोड़ो रेस्टिट्यूशन, ऐसे का क्या करना, आप बोलो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, माइनस 1 बाई टू इंटू थ्री ई टाइम्स यू, तो ई कितना है, 1 बाई टू, वेलोसिटी कितनी है इनिशियल, 3, तो आंसर क्या आएगा, 1 बाई टू इंटू थ्री, सीधा माइनस 3 बाई टू। तो ये आइडिया समझ में आ रहा है? हाँ, अगर भूल गए तो लगाते रहो, रेस्टिट्यूशन पे क्या ही दिक्कत है,
और भूलोगे कैसे, यूज इतनी बार करेंगे हम, तो समझ में आ रहा है आफ्टर कोलिजन क्या होगा, इसमें वेलोसिटी यू ई टाइम्स हो जाएगी। कोई डाउट है इसमें? ग्राउंड सेकेंड बॉडी है, बॉल फर्स्ट बॉडी है। पहली बॉडी के लिए वन वन, सेकेंड बॉडी के लिए टू टू। सेकेंड बॉडी ग्राउंड इनिशियली पहले भी रेस्ट पे है, सेकेंड बॉडी की फाइनल वेलोसिटी भी रेस्ट पे है, चेंज वन और वन हो रहा है। ठीक है, कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो वापस आ जाते हैं बैक टू इलास्टिक, तो रह गई हम क्या सॉल्व कर रहे थे, इलास्टिक कोलिजन्स। तो वापस चलते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन या इलास्टिक कोलिजन्स पे। तो इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में अगर हम वापस चलें, ये तो चलो बीच में रेस्टिट्यूशन में स्टार्ट कर लिया, तो हमने क्या किया, ये केस लिया था, तो इसमें मोमेंटम को कंजर्व किया था, इसमें एनर्जी को कंजर्व किया था, दोनों को डिवाइड किया था, डिवाइड करके ये क्वेश्चन नंबर थ्री आ गई थी। ठीक, एनर्जी से या मोमेंटम से इक्वेशन नंबर वन आ गई थी, ये क्वेश्चन नंबर वन है, और एनर्जी के साथ डिवाइड करके इक्वेशन नंबर थ्री आ गई। अब वहीं से कंटिन्यू करेंगे, इसको छोड़ देते हैं, ये लो। तो इक्वेशन नंबर थ्री मैंने फिर से लिख ली रेस्टिट्यूशन वाली, और इक्वेशन नंबर वन भी मैंने लिख ली मोमेंटम वाली। क्लियर है यहाँ तक? अब मैं क्या करना चाहता हूँ इसमें, मैं ये करना चाहता हूँ कि मेरे को न्यूमेरिकल्स में ऐसा कुछ गिवन होगा कि मान लो एक बॉल है, 1 kg की बॉल है, तो मुझे क्या गिवन है, m1 मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 m/s, तो ये क्या गिवन है, u1। एक और बॉल है m2 इज इक्वल टू 2 kg की, और वेलोसिटी u2 गिवन है 5 m/s। मैं ये चाहता हूं कि आप मुझे बताओ आफ्टर कोलिजन v1 और v2 की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन है। तो मैं आपको क्या देने वाला हूं, m1 m2 u1 u2 कोलिजन से पहले दोनों वेलोसिटीज दूंगा, और आपसे क्या चाहता हूं, आप v1 v2 निकाल लें। क्वेश्चन समझ में आया? आप कहोगे वो तो आसानी से निकल ही जाएगा, मैंने बोला कैसे, आपने कहा ये दो ही क्वेश्चन है मेरे पास, मैं आपको u1 दे रहा हूं, u2 दे रहा हूं, m1 u1 m2 और u2 दे रहा हूं, और क्या निकालने को कह रहा हूं, v1 v2। तो साइमल्टेनियसली दोनों को सॉल्व करके v1 v2 कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है यहां तक? कोई डाउट इसमें? यही लॉजिक है, पर मैं इतना भी नहीं करना चाहता न्यूमेरिकल में, मैं चाहता यार मुझे छोटा सा फॉर्मूला बता दो बस, मैं m1 m2 u1 u2 और सीधा v1 आ जाए, बात खत्म। तो मैं चीज़ों को कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा, मैं आसान करने वाला हूँ, आपको एक फार्मूला ही दे दूंगा v1 का, फार्मूला ही दे दूंगा v2 का, बस चार वैल्यूज पुट कर लेना, m1 m2 u1 u2 सीधा v1 v2 आ जाएगा, बात ही खत्म। पॉइंट समझ में आया यहाँ तक? तो मैं करने कुछ नहीं वाला, मैं इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके फॉर्मूला निकालने वाला हूँ। तो सबसे पहले एक्सप्रेशन क्या है, सबसे पहले हम क्या निकालने वाले हैं, एक्सप्रेशन फॉर फाइनल वेलोसिटी v1 आफ्टर कोलिजन। तो पहले फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी v1 निकलेगी, फिर सेकेंड बॉल की वेलोसिटी v2 निकलेगी। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट इसमें? तो इसके अंदर पहले v1 निकालें, एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 मोमेंटम कंजर्वेशन की लिख ली, इक्वेशन नंबर 3 रेस्टिट्यूशन वाली लिख ली, लिख लिया। एक काम करते हैं, मुझे v2 मुझे v1 निकालना है ना, तो मैं इस इक्वेशन में v2 को एलिमिनेट कर देता हूँ। v2 कैसे एलिमिनेट होगा, इस इक्वेशन में से v2 एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, इस v2 को उठा के यहां पुट कर दो, तो v2 की जगह क्या पुट करेंगे, u1 प्लस v1 माइनस u2। तो यहां पुट कर देते हैं, तो ये टर्म आ गई, ये टर्म आ गई, ये स्टेप समझ में आया। ये दो इक्वेशन लिखो, इस इक्वेशन में से v2 एक तरफ, ये पूरा का पूरा v2 यहां रिप्लेस कर दो, तो ये इक्वेशन आ गई। इसे u2 माइनस 2u2, m2 को मल्टीप्लाई कर दो सबके साथ, ये रहा। क्या निकालना है, v1, तो v1 और v1 वाली टर्म्स एक तरफ और बाकी टर्म्स एक तरफ, सिंप्लीफिकेशन है। तो आपको v1 निकालना है, साइमल्टेनियसली ऐसे सॉल्व करते हैं ना, v1 वाली टर्म्स एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक ठीक, तो यहाँ से m1 m2 को इससे डिवाइड करो, तो क्या एक्सप्रेशन आ गया v1 का, इसे याद कर लो क्योंकि आसान हो गया।
कुछ नहीं करना, आपको न्यूमेरिकल आएगा, M1 पता है, M2 पता है, U1 पता है, U2 पता है, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, सीधा V1 आएगा, कुछ करना ही नहीं है, आसान हो गया। कोई मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं करना, कोई एनर्जी कंजर्वेशन नहीं करनी, कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में वैल्यू पुट। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक। अब ये एक्सप्रेशन किसका निकला? V1 का। सिमिलरली एक्सप्रेशन किसका निकालना है? V2 का। तो फिर से दो इक्वेशन लिखो, मोमेंटम कंजर्वेशन वाली और रेस्टिट्यूशन वाली। इस बार रेस्टिट्यूशन वाले फॉर्मूले में से V1 को एक तरफ कर लो और बाकी टर्म्स एक तरफ, क्योंकि मुझे क्या निकालना है? V2। तो इस V1 को यहां एलिमिनेट कर दो इन टर्म्स ऑफ V2। इस V1 की जगह ये तीनों टर्म्स पुट करो तो ये टर्म आ जाएगी। क्लियर है? तो पूरे का पूरा V1 रिप्लेस कर दिया तीन टर्म्स के साथ, तो ये टर्म आ गई। इस ब्रैकेट को ओपन कर लो, तो ओपन कर लोगे, पूरे को ओपन कर दो, ब्रैकेट ओपन, क्या निकालना है? V2। तो V2 वाली टर्म्स एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, तो M1 प्लस M2 से डिवाइड करो तो क्या आ गया? V2। क्लियर है यहां तक? सारी गेम उन दो ही क्वेश्चंस की है। एक बार V1 एलिमिनेट कर दो तो V2 आ जाएगा, V2 एलिमिनेट कर दो तो V1 आ जाएगा। ये डेरिवेशन स्कूल में आ सकती है, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर फाइनल वेलोसिटी V1 एंड V2 आ सकती है। तो ये फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूला क्या है? V1 का फॉर्मूला M1 माइनस M2 बाई M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस 2M2 U2 बाई M1 प्लस M2। और ऐसे V2 का फॉर्मूला याद कर लो, तो मैं एक मिनट दे रहा हूँ, आप ये दोनों फॉर्मूला याद करो, और याद करके आप याद तो करना ही है, नहीं तो न्यूमेरिकल फिर फ़ायदा क्या? अगर ये फॉर्मूला ही भूल गए फिर तो वही टेक्निक ठीक थी, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लो, एनर्जी कंजर्वेशन सॉल्व कर लो। तो ये तो काम इसलिए कर रहे हैं ताकि जल्दी हो जाए, तो प्लीज़ इस फॉर्मूले को याद करो एक मिनट। ये जो फॉर्मूले एक जैसे तो नहीं लग रहे, दोनों एक जैसे याद कर रहे हैं? हाँ, तो एक काम करते हैं, इसको याद करने की कोई ट्रिक यूज़ करते हैं, नहीं तो ऐसे याद नहीं होगा, आप घर जाके भूल जाएंगे और न्यूमेरिकल के टाइम बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगी। तो इसके लिए एक काम करें, देखो आधा फॉर्मूला तो आपको आता है, आधा कैसे आता है? क्या निकालना है? V1। क्या निकालना है? V2। ये तो आता है, ठीक, ये भी आता है, ये पता है कि दो टर्म्स आने वाली हैं, दो टर्म्स आएंगी कुछ ऐसे, ये भी पता है, ये भी पता है डिनोमिनेटर में क्या आएगा? M1 प्लस M2, M1 प्लस M2, यहाँ पर भी M1 प्लस M2 और M1 प्लस M2। देखो ये तो आपको आता है, मैंने बोला ना 50% तो याद हो गया, अब बाकी 50% के लिए ये आपको इतना याद आ रहा होगा, न्यूमिनेटर में या तो M1 माइनस M2 है या M2 माइनस M1, कुछ सब्ट्रैक्शन में तो है। तो इसको याद करने का तरीका कि M1 माइनस M2 कि M2 माइनस M1, ये क्या निकाल रहे हो? V1 स्टार्ट विद M1 M2 नहीं आएगा पहले, क्या आएगा? M1, बस आगे तो आ ही गया, क्या आएगा? M2। अब ये भी पता है इसके पीछे या तो U1 आएगा, इसके पीछे U2 या U2 U1, कुछ कंफ्यूजन होती है, क्या निकाल रहे हो? V1, तो यहां पर क्या आएगा? U1 सब 1 1 1। अगर ये U1 है तो ये क्या है? U2 है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, ऐसी यही यहाँ तक पहला फॉर्मूला ये क्लियर है यहाँ तक। फिर ये भी पता है कि सेकेंड टर्म 2 × M1 है कि M2, चेक करो, तो कैसे याद करेंगे? ये क्या है? 2, तो यहाँ पर क्या है? 2 × 2, तो ये वाली टर्म में 2 × 2, ये वाली टर्म में 1 1 और 1, बन गया फॉर्मूला। ठीक, तो मैंने ऐसे याद किया, V1 लिखना है, स्टार्ट विद M1, यहाँ पर आएगा U1, फिर आएगा U2, तो साथ में M2, और
ये फॉर्मूला, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा, ये लिखा वी टू में तो याद ही नहीं करना, क्यों? जहां एम वन है वहां एम टू, जहां एम टू है वहां एम वन, जहां यू वन है वहां यू टू, जहां यू टू है वहां यू वन, जहां एम टू है वहां एम वन, फॉर्मूला याद हो गया। दूसरा तो याद ही नहीं करना, पहला लिखना सीख लिया, दूसरा बनाना सीख लिया, खत्म। तो वी वन वी टू क्लियर हो गया, ठीक है, कोई डाउट इसमें? ठीक, आगे स्पेशल केस। अब स्पेशल केस क्या है? मान ये कौन सी कोलिजन चल रही है, परफेक्टली इलास्टिक है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में मासेस m1 m2 हैं और 1d कोलिजन है। मान लो दो बॉल जो टक्कर खा रही हैं उनका मास बराबर है, तो m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m। तो दो v1 v2 के जो बड़े बड़े फॉर्मूलाज हैं, हर जगह पर m1 और m2 की जगह m m m m m m करेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएंगी और आपके पास सॉल्व करके क्या आएगा, u2 और u1, राइट, कैंसिल, ये आंसर आएगा। इसका मतलब क्या है ये समझें, ये तो क्या ही करेंगे। इसका मतलब ये है कि सपोज करो आपके पास एक बॉल है जिसका मास m है और वेलोसिटी u1 है, सेकेंड बॉल m है वेलोसिटी u2 है, आफ्टर कोलिजन ये वेलोसिटी v1 है और ये वेलोसिटी v2 है। तो फॉर्मूला क्या कह रहा है, अगर मास बराबर है तो v1 किसके इक्वल है, u2, तो v1 किसके इक्वल है, u2, और v2 किसके इक्वल है, u1, u1। तो आपको ऐसा फील तो नहीं हो रहा कि वेलोसिटीज इंटरचेंज हो गई इनकी, जो इसकी वेलोसिटी थी u1 वो इसको मिल गई और जो इसकी वेलोसिटी है वो इसको मिल गई। तो आज के बाद जब ये मासेस सेम आएगा इन 1D कोलिजन इलास्टिक, तो ये कुछ भी नहीं करना आपने, ये नहीं देखना आपने, सीधा रिजल्ट करें। इफ मासेस ऑफ टू बॉडीज आर सेम और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो वेलोसिटीज आपस में क्या हो जाएंगी, इंटरचेंज। तो सीधा न्यूमेरिकल में कैसे लगेगा, अगर इसकी वेलोसिटी 10 और इसकी 5, मासेस सेम, तो आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी 5 और इसकी 10 होगी ना एक्सचेंज, अगर मासेस सेम है तो। क्लियर है? जैसे इसकी वेलोसिटी 10, इसकी 5, हेड ऑन कोलिजन है, पूरा का पूरा वेक्टर एक्सचेंज करना है विद डायरेक्शन। ये देखो ये 10 तो ये 10, ये 5 तो ये उल्टा 5, ये टक्कर मारने के बाद रीबाउंड हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ 5। क्लियर है? डायरेक्शन भी एक्सचेंज हो जाएंगे, कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक। तो जैसे एक बॉल आ रही है एम विद वेलोसिटी ऑफ 10 और सेकेंड बॉल एम किस पे पड़ी हुई है, रेस्ट, इसकी वेलोसिटी क्या है, 0। आफ्टर कोलिजन क्योंकि मास सेम है तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 10। तो ये रेस्ट पे आ जाएगा और ये मूव करेगा विद द वेलोसिटी ऑफ 10। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक कि वेलोसिटीज एक्सचेंज कब होंगी, जब मास दो बॉल्स के क्या होंगे, सेम, और कौन सी कोलिजन है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, तो ही ऐसा होगा, नहीं तो ऐसा नहीं होगा।